बम्बई हाईकोर्ट में एनआईए ने कहा कि 79 साल के कवि वारावारा राव कोविड की सिचुएशन का बेल लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविड का भला बेल लेने के लिए थोड़े इस्तेमाल होता है। आप याद करिए कोविड के कैसे अच्छे अच्छे इस्तेमाल हुए हैं। कोविड जब आया तो सरकार ने चैन की सांस ली होगी, क्योंकि डूबती इकोनॉमी का जो डिस्कोर्स बन रहा था वो कोविड के आने से बिखर गया और लोग कोविड की बात करने लगे। इसके बाद एक बड़ा ही सुनहरा मौका राष्ट्रहित में कोविड का उपयोग करने का तब आया जब निजामुद्दीन मरकज वाला मामला हुआ और अर्नब सुधीर वगैरह ने कोविड का एकदम कम्युनल जहर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। अब ये कम्युनल जहर मैंने जो कहा वो तो लिबरलों की भाषा है, मतलब देश प्रेमी ऐसी भाषा नहीं बोलते। ये तो वही सोचेंगे कि हाँ यही सच्चा उपयोग है कोविड का, कि सिद्ध कर दिया जाए कि देखो ये मुसलमान ही कोविड फैलाते हैं। वो भी बात छोड़िए, आप ये देखिए कि साहब ने कैसे कैसे कोविड का कितना खूबी से इस्तेमाल किया। ताली थाली दिया पुष्प वर्षा वगैरह तो आप जानते ही हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान साहब ने जो भाषण दिए, मतलब मैं तो मानता हूँ कि उनके भाषणों का एक अलग संग्रह कॉफिटेबल बुक के तौर पर होना चाहिए। वो संग्रह में आप पन्ने ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी साहब जो बोले थे इसका अर्थ गठन करना बड़ा ही जटिल था, तो पन्ने अगर ब्लैंक रहेंगे तो लोग अपनी सोच के अनुसार उनका अर्थ गठन कर सकेंगे। कोविड का एक और सही इस्तेमाल तो आप नहीं भूले होंगे कि शाहीन बाग का आंदोलन कैसे तितर बितर हो गया और उससे जुड़े एक्टिविस्ट और भी कई एक्टिविस्ट की कोविड के दौरान ही अरेस्ट की गई। और चूंकि कोविड था तो ना कोई जुलूस निकाल सकता था ना कोई प्रोटेस्ट कर सकता था, तो मतलब ये होता है राष्ट्र के हित में कोविड का उपयोग। आपको ये सब पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स लगता है तो ठीक है, थोड़ी धंधे की बात कर लेते हैं। और धंधे से हो सकता है कि आपको बाबा रामदेव की तुरंत याद आ जाए जो कोरोनिल लेकर आ गए थे, ये था कोविड का सही इस्तेमाल। अगर आप भी कोविड का इस्तेमाल करके कोई छोटा मोटा झूठ बोलने की या तो कम सच बोलने की सोच रहे हैं तो दोबारा सोचिए, कोविड का इस्तेमाल राष्ट्रहित में छोटा झूठ बोलने के लिए नहीं होता है।